अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा तेज़ समझाऊंगा, तो काइंडली जो है आप फोकस के साथ इसको करिए, क्योंकि देखिए अगर मैं बहुत हल्की स्पीड में समझाने लगूँ तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो फिर आप लोग जो है वो देखते हुए थोड़ा फील करोगे यार, क्योंकि इसमें सवाल बहुत ज़्यादा हैं इस एक्सरसाइज में ना। अच्छा, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 के जितने पार्ट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जो बोर्ड के पेपर में आते हैं, ठीक है, और वो आप देख लिएगा लाजमी, ठीक है। बाकी कंप्लीट तो पूरी एक्सरसाइज करनी है, और अगर तब भी कोई परेशानी हो, कोई चीज़ हो, तो मेरा नंबर है इस चैनल पे भी है, और आप लोगों के पास भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो क्लास में आके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वन कर रहे हैं, 9th क्लास की क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड आउट करना है आपने, यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा 1/4x = 5, ये 4 में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ भेज दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, x/4 = -3, ये 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -12। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर -5 = -x/6, 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ भेजो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -30, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या हो रहा है, -x/8 = -5, ये 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ भेजा तो मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का आंसर किया तो -40 आया, और ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x = 40 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, y - 2/5 = -1/3, ये -2/5 था, 2/5 माइनस का था, वहाँ जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 5 = 15 आया, और 5 जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -5, और 3 जाके 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया, 1, और नीचे 15, तो वाई की वैल्यू आ गई 1/15। ये छोटे छोटे सवाल आते हैं इसलिए तेज़ बता रहा हूँ। 2y - 3/5 = 1/2, यहाँ पे 3/5 माइनस का था, वहाँ भेजा तो क्या हो गया, बल्कि एक काम किया यहाँ पे, यहीं पे एलसीएम ले लिया, इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या 1 है, 5 और 1 का एलसीएम क्या आया, 5 आया, 5 जाके 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10 हो गया, और 1 जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया, ठीक है। बाकी ये ऐसे ही रहा, फिर क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 2 आके इससे मल्टीप्लाई हो गया, और 5 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 20, और 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 6, ये हो गया 5। आपको यहाँ से वाई निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो ये 6 यहाँ पे माइनस का है, वहाँ भेजो तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, ये 11 आ गया, 20 है, वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, 2x - 4/5 = 5x - 12/4 है, ठीक है। सवाल कॉपी किया, ये 4 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और ये 5 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आया, ये 4 4 से हुआ तो कितना है, 16 आया, ये 5 5 से हुआ तो कितना है, 25 आया, ये 5 12 से हुआ तो कितना है, 60 आया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, यानी ये 25 प्लस का यहाँ ले आया तो माइनस का हो गया, ये 16 किसका है, माइनस का है, तो वहाँ ले आकर किसका हो गया, प्लस का हो गया, 8x में से -25x किया तो -17x बचा, इन दोनों को सॉल्व किया तो -44 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 17 या एक्स साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ भेजा तो डिवाइड करके ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, जो आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, इसमें 3x/5 + 7 = 2x/3, इसको थोड़ा सा चाहो तो जूम कर देते हैं, ठीक है। ये सवाल कॉपी किया, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, 1 आके 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x आएगा, 5 जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा 35 आएगा, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, और 5 वहाँ जाके वहाँ मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 जा, और यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, 3 3 जा, यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, यहाँ पे 3 3 जा जो है, 3 3 जा 9 होगा, और 3 35 जा 105 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाले एक तरफ करेंगे, ये 10x प्लस का, यहाँ लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 105 यहाँ प्लस का, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व किया तो -x बचा, और ये -105, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 105, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है कि ये 3x
अपॉन 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 प्लस 4x अपॉन 5। यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है और इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 है तो 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, यानी 5 वन ज़ा 5 आएगा। ये 1 जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, ये 1 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, ये 5 जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा 35। इसी तरह इस साइड भी हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा, यानी 3 5 ज़ा 15, 5 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 और 3 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा 12, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये हम क्या करते हैं एक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये 5 वन ज़ा 5 कैंसिल हो गया, ये 5 3 ज़ा 15 कैंसिल हो गया, ये वाला 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, ठीक है, ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया और ब्रैकेट में 3x प्लस 35, इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो 22x आ जाएगा, ठीक है। ये 3 3 ज़ा 9x और 3 इसको मल्टीप्लाई किया 105, 22x यहाँ प्लस का था यहाँ आ गया तो किसका रहेगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 105 था वहाँ चला गया तो माइनस का हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो आया माइनस 13x और ये आया 105, ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया और 105 अपॉन 13 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है, 6 अपॉन 2x माइनस 5 माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x फाइंड आउट करना है तो ये माइनस का था 4 अपॉन x माइनस 3, इसको यहाँ भेज दिया तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x माइनस 3 डिवाइड हो रहा, वहाँ भेज दिया 6 की तरफ, यहाँ पर आ गया, और 2x माइनस 5 यहाँ पे 6 से डिवाइड हो रहा था वहाँ भेज दिया तो 4 से जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से x मल्टीप्लाई होगा 6x, 6 से 3 मल्टीप्लाई होगा 18, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 8 और 4 मल्टीप्लाई हुआ 5 से 20। x वाले एक तरफ कर लेंगे, ये 8x प्लस का यहाँ लाइए तो माइनस का हो गया, 18 माइनस का था वहाँ ले गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया माइनस 2x, इन दोनों को सॉल्व किया माइनस 2, माइनस से माइनस क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये 2x एक्स का 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो 2 वाले का डिवाइड हुआ और सॉल्व हो गया, आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 7x माइनस 4 अपॉन 15 इज इक्वल टू 7x प्लस 4 अपॉन 10। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 10 इधर चला गया, ठीक है, और ये 15 इधर चला गया, ये 10 7 से मल्टीप्लाई हुआ 70, ये 10 4 से मल्टीप्लाई हुआ 40, 15 7 से हुआ 105, 15 4 से हुआ 16। एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, 105x का प्लस का है यहाँ ले आओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 40 माइनस का है यहाँ ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 35 आएगा, इन दोनों को सॉल्व किया तो 100 आएगा, ये माइनस 35 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ भेजोगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। फिर हमने इसको 5 के टेबल से कैंसिल कर दिया, 5 20 जो होता है 100 होता है और 5 7 35 होता है, तो आपके पास आंसर आ गया माइनस 20 अपॉन 7, क्योंकि माइनस नीचे था लेकिन हमेशा माइनस ऊपर लिखते हैं तो ये माइनस ऊपर लगा दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है, इसमें भी एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये लिखा हुआ सवाल और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कौन होगा, इसके नीचे 1 होगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहा 15 और 1 का एलसीएम क्या आया 15, 15 वन ज़ा 15, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा एज इट इज़ ऐसे ही रहा, बीच में माइनस आया, 15 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो 30 आ गया, ठीक है। अब 30 को इसको सॉल्व किया तो कितना आया, माइनस 33। फिर आपने क्या काम किया, आपने 5 के टेबल से काट दिया, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, यानी 10 और 15 5 के टेबल से कट गए, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, ये 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे से आ गया, ये 2 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इस ब्रैकेट से, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 3 7 से वो 14 आया, 3 से वो 66 आया माइनस का। अब माइनस वाले एक तरफ कर लेंगे, ये 14 प्लस का यहाँ ले आएंगे तो माइनस का हो गया, ये 6 माइनस का यहाँ लेकर आएगा तो प्लस का हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया, माइनस 5, इन दोनों को सॉल्व किया माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 वन जाकर डिवाइड हुआ तो 5 वन ज़ा 5 और ये 12 हो गया, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। यहाँ पे सवाल ये लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, 4 के टेबल से हो रहा है और ये हमारे पास हो रहा है 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है, ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये 3 जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 24, ये इससे हुआ तो 6, ये इधर से हुआ 36, 3 3 ज़ा 9, एक्स वाले एक तरफ करेंगे, 36 यहाँ प्लस का यहाँ लाया तो माइनस का, 6 माइनस का तो यहाँ लिया प्लस का, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 12x, ये दोनों 15 हो गए, ये माइनस 12x से यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, वहाँ भेजोगे तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं किसके टेबल से, 3 के टेबल से, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स का। यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ, इसका मतलब है एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स
इज इक्वल टू -3, और इसका मतलब है एक्स अपॉन टू, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, वन है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, वन है। फोर और वन का एलसीएम 4 आएगा, और वन जाके एक्स से मल्टीप्लाई हुआ 1x, और फोर जाके एक्स से मल्टीप्लाई हुआ 4x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर 2 1 2 आ गया आपके पास, 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई हुआ -6, और 1 जाके एक्स हुआ तो एक्स आ गया, ठीक है। अब आप जाओ तो यहाँ पे आप कैंसिल कर दो 2 2 4 और 2 1 2, तो ये तो एज इट इज़ रहा, क्योंकि 1 जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ ये ऐसे ही रहेगा, 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ ये 2 आ गया, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 12, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 2x, x वाले एक तरफ करेंगे ये 2x प्लस का, यहाँ लाओ तो किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया 3x, और 3 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो ये कैंसिल हो गया, 3 1 3 और 3 4 12, ये आपके पास x आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम 15 कर रहे हैं, 1/3 प्लस ये यहाँ से m निकालना है, तो क्या काम करेंगे, m वाले एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पे जो ये m है माइनस प्लस का यहाँ लेकर आ जाओ तो किसका हो गया माइनस का, या -3/2 बचेगा, ये 1/3 प्लस का वहाँ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया, m आया, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 2 3 6, 3 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, इन दोनों को सॉल्व किया तो -11/6 आ गया, एम की वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या काम लिखा हुआ है, व्हेन 25 एडिड टू अ नंबर, कह रहा है आप 25 ऐड करो किसी नंबर में, ठीक है, द रिजल्ट इज़ हाफ, जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, हाफ आएगा। तो हमने पहले कोई नंबर जो है वो क्या सपोज कर लिया x, कि हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो क्या हमारा x है, और यही हमें फाइंड आउट करना है, लिखा ना व्हाट इज़ द नंबर, सवाल पढ़ लेते हैं पूरा, व्हेन 25 एडिड टू अ नंबर द रिजल्ट इज़ हाफ, द आंसर इज 3 times द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज़ द नंबर। देखो वो कह रहा है कि हम कोई भी नंबर सपोज करते हैं और उस नंबर के अंदर 25 ऐड कर देते हैं, तो हमने नंबर सपोज कर लिया 25 और उसमें क्या ऐड कर दिया, सॉरी हमने क्या नंबर सपोज कर लिया, x सपोज कर लिया और उसमें 25 ऐड कर देंगे, तो नंबर और ये दोनों ऐड हो गए, क्या आंसर देंगे x प्लस 25, यानी ये पहली लाइन का हमारे पास आ गया कि हमने नंबर के अंदर 25 को ऐड कर दिया। फिर क्या बोला, द रिजल्ट इज़ हाफ, यानी कि जो हम ऐड करेंगे उसको हम क्या करेंगे, द रिजल्ट इज़ हाफ, जो ऐड करा उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, हाफ हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये करने के बाद इसका जो आंसर आएगा, द आंसर इज 3 times द ओरिजिनल नंबर, जो इसका आंसर आएगा वो आपके सपोज हुए वाले नंबर से 3 times होगा, यानी कि हमारा सब नंबर कौन है, x है, तो 3 times अगर करना है तो ये हो जाएगा क्या 3x, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा आपने बनाया था कि नंबर के अंदर 25 ऐड किया और उसका हाफ किया, इसका जो आंसर आएगा यानी इजिकल्स टू जो आएगा वो 3 times ऑफ x होगा, ठीक है। ये आपने वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बना ली। फिर क्या हुआ, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, हमें x वाले एक तरफ करने, ये x वाला 6x है, वहाँ ले आया तो माइनस का हो गया, ये प्लस 25 था वहाँ जाके माइनस का हो गया, इन दोनों को सॉल्व किया -5 आया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 5 1 5 और 5 5 25, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई आपको, सही है यहाँ से, यानी आपको व्हाट इज़ द नंबर निकालना था, ये नंबर निकल के आ गया कि हमारा नंबर क्या है, 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, व्हेन अ नंबर इज एडिड टू अ 4, कोई नंबर आप 4 में ऐड करो तो उसका जो आंसर आएगा यानी द रिजल्ट इज इक्वल टू द सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 times ऑफ इट, यानी कि आप किसी नंबर में 4 को ऐड करो और 4 का जो आंसर आएगा वो जो आपका नंबर है उसको 3 times मल्टीप्लाई करके 10 से सब्ट्रैक्ट करना, यानी ये देखो डायरेक्ट मैं यहीं पे ले आया, क्या लिखा है, व्हेन अ नंबर इज एडिड टू 4, व्हेन अ नंबर इज एडिड टू 4 द रिजल्ट इज इक्वल्स टू, द रिजल्ट इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्टिंग 10, ये सब्ट्रैक्टिंग 10 3 times of 8 ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द नंबर यानी x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट कैसे आएगा, 3x यहाँ प्लस का यहाँ लाइए तो माइनस का हो गया, 4 किसका प्लस का यहाँ लाओ तो माइनस का हो गया, ये दोनों को सॉल्व किया तो -2x, इन दोनों को सॉल्व किया -14, और आप जानते हो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 वहाँ जाकर डिवाइड हुआ तो ये आ गया आपके पास 7 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ लिखा हुआ है बिलाल इज 6 years older देन अली, बिलाल जो है अली से 6 साल बड़ा है, ठीक है। आफ्टर 5 years 5 साल गुजरने के बाद द सम ऑफ दियर एज विल बी 40, यानी 5 साल गुजरने के बाद बिलाल और अली की एज को ऐड करो तो आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, ये दोनों कितने कितने साल के हैं, ठीक है, यानी अली जितने का भी अली जितने साल का भी है उससे बिलाल 6 साल बड़ा है।
ठीक है, उनकी जो भी एज बनती है उसके बाद हम उनको 5 साल बाद जब उनकी एज को ऐड करते हैं तो आंसर दोनों की एज को ऐड करके कितना आता है, 40 आता है। ठीक है, हम करेंगे समझा देंगे। देखो यहाँ लिखा है लेट एक्स बी द एज ऑफ अली, यानी हम सपोज़ करते हैं अली की इस वक्त एज क्या है, एक्स है। ठीक है, और बिलाल जो है वो 6 साल बड़ा है किससे, अली से। तो अली बिलाल की इस वक्त एज क्या है, एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, अभी अली की एज कितनी है, एक्स है, और बिलाल की एज कितनी है, एक्स प्लस सिक्स। 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, वो कह रहे हैं ना आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स अली की एज जो है वो एक्स के साथ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस फाइव। क्योंकि 5 साल बाद अली की, अभी एज अली की कितनी थी, एक्स थी, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस फाइव। ठीक है, और बिलाल की एज कितनी थी इस वक्त, एक्स प्लस सिक्स, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस इलेवन। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं तो परेशान ना हूँ। अली की एज एक्स है, 5 साल बाद अली की एज हो जाएगी एक्स प्लस फाइव। बिलाल की एज इस वक्त है एक्स प्लस सिक्स, और 5 साल इसमें आप 5 साल ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस इलेवन। फिर वो ये बोलता है कि इन दोनों की एज को ऐड करो तो 40 आएगा। अभी इन दोनों की एज क्या है, ये अली की एज है और ये बिलाल की एज है। तो ये अली की एज लिखी प्लस बिलाल की एज लिखी, और बराबर किसके रखा, 40 के, क्योंकि उसने कहा कि 5 साल बाद 40 के बराबर हो जाएगी। एक्स को एक्स में ऐड किया, 2x हो गया, ये दोनों ऐड हो गए कितने हो गए, 16 हो गए। 16 वहाँ जाके माइनस हो गया और 24 आया, 2 वहाँ जाके डिवाइड हुआ, ये आ गया 12। 12 किसकी एज आ गई, ये 12 एज आ गई किसकी इस वक्त, अली की। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, बिलाल की। तो बिलाल के लिए हम क्या करेंगे, बिलाल की एज क्या है, एक्स प्लस सिक्स, तो एक्स प्लस सिक्स है, तो हम यहाँ पर 12 में 6 ऐड कर देंगे, 18 साल का बिलाल हो गया, 12 साल का अली हो गया, और उससे 6 साल बड़ा तो बिलाल, तो भी बिलाल हो गया 18 साल का, क्योंकि दोनों की एज मांगी थी, बहुत लिखा है, तो हमने दोनों का आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ यहाँ पे। इसके पार्ट हैं, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट निकालने हैं और उनको वेरीफाई भी करना है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, ये पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा आता है। 6 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7, आपको एक्स चाहिए, 6 प्लस का था वहाँ भेजा तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई, अंडर रूट एक्स की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग बोथ सेट करी, जब स्क्वायरिंग बोथ सेट करी तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, और हमारे पास 1 आ गया, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखा है वेरीफाई भी करना होता है आंसर को, तो वेरीफिकेशन की हेडिंग देके हम वेरीफाई कैसे करेंगे, ये सवाल को कॉपी करेंगे और जहाँ एक्स, जो हमारा एक्स निकला है वो हम पुट करेंगे। हमने पुट किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ये राइट हैंड साइड वाला है, ये दोनों चीज़ें इधर उधर नहीं जाएंगी, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे, जो राइट हैंड साइड पे वो राइट हैंड साइड पे रहेंगे। अंडर रूट 1 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 प्लस 6 7 हो गया, यानी 7 बराबर 7 अगर आ गया या तो ये हमारी वेरीफिकेशन हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो हमारा 1 निकल के आया है वो बिल्कुल सही है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो सॉल्यूशन सेट हम नहीं लिखते इसको यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक्स फाइंड आउट करना है, अंडर रूट एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स को ख़त्म करने, रूट एक्स निकालने के लिए यहाँ पे रूट के अंदर है एक्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, ये खत्म हो गया यहाँ से, तो एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1 बचा, ये 9 माइनस का वहाँ जाकर प्लस का हो गया, एक्स की वैल्यू 10 आ गई। जाहिर है जब तक वेरीफिकेशन नहीं करेंगे सॉल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे, तो वेरीफिकेशन लिखी, सवाल कॉपी करा, जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वैल्यू पुट करी, और लेफ्ट हैंड साइड को अलग रखना है, राइट हैंड साइड को अलग रखना है, इधर का उधर नहीं जाएगा। ठीक है, जब वेरीफिकेशन में, सॉल्यूशन तो चला जाएगा लेकिन वेरीफिकेशन में नहीं जाएगा। इसका आंसर अंडर रूट 1 आया, और अंडर रूट 1 कहलाता है, 1 बराबर 1 हो गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन सेट कौन हो गया, हमारा 10 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे वाई फाइंड आउट करना फिर वेरीफाई करना। ठीक है, ये -2 था, यहाँ भेजा +2 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, ये 5 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो ये कैंसिल हो गया, y अपॉन 4 इज इक्वल टू 25, 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 100, y की वैल्यू 100 आ गई। वेरीफिकेशन करना है, वेरीफिकेशन में क्या करेंगे, सवाल को कॉपी करेंगे और y की वैल्यू y में पुट करेंगे, तो इन दोनों को जब डिवाइड किया तो 25 आया, और 25 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आया, 5 आया। ठीक है, और 5 माइनस 2 कितना आया, 3, यानी 3 बराबर 3 आ रहा है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया, यानी y की वैल्यू जो 100 है वो हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। यही काम हम क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों तरफ रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट खत्म कर दिया, यहाँ बचा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 7,
हमें एक्स वाले एक तरफ करने, ये वहाँ चला गया माइनस का हो गया, ये फाइव प्लस का, तो यहाँ आके किसका हो गया, माइनस का हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया एक्स बचा, इन दोनों को सॉल्व किया माइनस ट्वेल्व बचा। वेरीफिकेशन के लिए सवाल कॉपी करा, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ माइनस ट्वेल्व डाल दिया, ठीक है। इनको सॉल्व किया तो आया माइनस 43, और इनको सॉल्व किया यहाँ पे एक्स पुट करने का तो माइनस 43। अंडर रूट के अंदर दोनों सेम सेम आ रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए, तो यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 12 आपका सॉल्यूशन सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर भी आपने वाई फाइंड आउट करना है। 7 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई आपका 21 हो गया। फिर वाई को निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर था, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, ये 21 का स्क्वायर 441 हो गया, ये रूट खत्म हो गया। यहाँ से ये बचा 12, या प्लस का था वहाँ भेजा माइनस का हो गया, तो 429 3 वहाँ जाके डिवाइड हुआ, तो वाई की वैल्यू इन डिवाइड किया तो कितना आया 143। वेरीफिकेशन करेंगे, वेरीफिकेशन में सवाल को कॉपी करेंगे, फिर वाई की जगह 143 पुट किया और इसको सॉल्व किया तो ये बराबर आ गया। इसको जब सॉल्व किया तो ऊपर आया अंडर रूट 441, और अंडर रूट 441 बराबर 21 की होता है, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ गया, 3 बराबर 3 आ गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो यानी y की वैल्यू 143 आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, यानी जब वेरीफाई हो जाता है तो आपका वो सॉल्यूशन सेट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, जैसे इस सवाल में वेरीफाई नहीं हो रहा, अब यहाँ प्लस 9 था वहाँ भेजा तो माइनस 9 हो गया, ये माइनस 2 बचा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो x की वैल्यू 4 आ गई। वेरीफाई करने के लिए हमने सवाल को कॉपी करा, एक्स की जगह 4 रखा, और 4 रूट का क्या निकल गया, 2 आया, और 2 प्लस 9 कितना आया, 11 आया, ठीक है। तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा, दोनों सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब नॉट वेरीफाइड। तो हम सॉल्यूशन साइड में क्या लिखेंगे, अब एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस एक्स को पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, दोनों तरफ रूट लगा हुआ, वाई निकालना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी ताकि रूट ख़त्म कर दे, स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दे, ये आंसर आया, ठीक है। ये 50 माइनस का था वहाँ भेजा प्लस का हो गया, ये वाई प्लस का था यहाँ भेजा तो माइनस का हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया 24 आया, इन दोनों को सॉल्व किया 48 आया। 24 ने डिवाइड किया इसको तो 2 आ गया, तो y की वैल्यू 2 आ गई। वेरिफिकेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, सवाल हमने कॉपी करा, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर दिया, आपने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो 0 हो गया, यहाँ सॉल्व किया तो 0, यानी 0 बराबर 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई वेरीफिकेशन में, इसका मतलब वाई जो है वो आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में अंडर रूट एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 है, ये 8 प्लस का था, माइनस का 8 है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 81 हो गया, ये आपके पास x आ गया। वेरीफिकेशन करेंगे, वेरीफिकेशन में सवाल कॉपी करते हैं, x जगह x की वैल्यू पुट करी 81, 81 स्क्वायर रूट होता 9, और 9 माइनस 8 किया तो 1, 1 बराबर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो ये बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, इस 10 में क्या होता है कि भाई यहाँ पे ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मर गया तो डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद क्या आंसर आया आपका, 10 आया। फिर यहाँ पे हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी ये आपके पास कैंसिल हो गया, और ये बचा एक्स प्लस 20, ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 20 प्लस का था वहाँ भेजेगा माइनस का हो गया, तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई। और आपने एक्स की वैल्यू 20 को वेरीफाई करना है, सवाल आपने कॉपी करा, जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे आपने 80 पुट कर दिया, इन दोनों को ऐड किया 100 आया, ये 10 आ गया इसका, और 100 बराबर 100 हो गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो ये वाला जो एक्स वाला आंसर है वो आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, ठीक है।